आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक रिप्रोडक्शन। जैसे कि रिप्रोडक्शन हम सभी जानते हैं, रिप्रोडक्शन वो फिनोमिना होता है जिसके द्वारा एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को उत्पन्न करता है। सो इट इज़ अ फिनोमिना बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स बर्थ टू अनदर ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन का मकसद होता है अपनी रेस को चलाना और प्रकृति में अपने जैसे दूसरी कृतियाँ पैदा करना। तो ये जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है ये लाइव ऑर्गेनिज्म की या बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की एक खासियत रहती है और जिससे हमें ये भी पता चलता है कि ऑर्गेनिज्म इज लिविंग और नॉट लिविंग। वेल इन रिप्रोडक्शन प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंट तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। रिप्रोडक्शन है तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या रिप्रोडक्शन के लिए कोई खास ऑर्गन्स जिम्मेदार हैं या नहीं जिम्मेदार हैं। तो इस चीज़ के ऊपर बेस्ड रहता है कि रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ऐसा रिप्रोडक्शन अक्सर लोअर एनिमल्स और प्लांट्स में देखने को मिलता है और इन एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन के लिए कोई स्पेसिफिक सेक्स नहीं होता और कोई ऑर्गन्स इन्वॉल्व नहीं होते और ये सिंपली बॉडी सेल्स द्वारा पार्टिसिपेट करने के लिए की वजह से हो जाता है। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये इसलिए होता है क्योंकि बॉडी के अंदर कुछ सेक्स सेल्स होती हैं, कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिनको टेस्टिस और ओवरीज कहते हैं, ये देते हैं बदले में स्पर्म और ओवा और इनके फ्यूजन से रिप्रोडक्शन प्रभावित होता है, तो इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इन एवरी केस रिप्रोडक्शन को अब अपन आगे जाकर डिफाइन करते हैं। तो रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या इसको सोमैटोगैमस कहते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर सोमैटोगैमस एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो साइटोजेनिक रिप्रोडक्शन। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि बिना किसी सेक्स ऑर्गन के इन्वॉल्व होता है, इसमें बहुत तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। जैसे पहला फिजन के द्वारा, फिजन के द्वारा लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर जब एक पर्टिकुलर सेल होती है और वो सेल ऑटोमेटिकली फिजन द्वारा टूट जाती है, किसी भी कारण से टूट करके बहुत सारे पार्ट्स में बिखर जाती है, तब ये हर पार्ट जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है वो साइटोप्लाज्म को भी न्यूक्लियस के आसपास रोल कर लेता है और फिर इस प्रोसेस को हम कहते हैं फिजन। दूसरा, ये जो फिजन है ये डिफरेंट तरह का हो सकता है कि कभी एनिमल टूट करके दो एनिमल्स को जन्म दे तो हम उसको बाइनरी फिजन, कभी वो तीन एनिमल्स को जन्म दे तो हम उसको ट्राइनरी फिजन, और इस तरह से फिजन का वो बढ़ता चला जाता है पैमाना। नाउ इफ द फिजन टेक्स प्लेस इन एन एनिमल इन अ लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, अगर एनिमल कोई स्ट्रेट है और बीच में से फिजन ऐसे हो रहा है तब हम उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल फिजन, जैसे कई एनिमल्स में पाया जाता है। और अगर वो ट्रांसफर होता है एनिमल के सीधे बीच में, ट्रांसफर सेक्शन पे कट लगता है और एनिमल दो में डिवाइड हो जाता है दोनों हिस्से, देन आगे जा करके अपने बचे हुए हिस्से डेवलप कर लेते हैं तो हम उसको ट्रांसवर्स फिजन कहते हैं। और वैसे कई बार फिजन होता चला जाता है, एक पर्टिकुलर टाइम बाद वो एनिमल सेल ऑटोमेटिकली डिवाइड कर लेती है और वो फिजन करके दूसरे एनिमल्स बना लेती है। नाउ दूसरा जो तरीका है उसको स्पोरुलेशन कहते हैं। स्पोर फॉर्मेशन की एनिमल का बॉडी जब कोई खास वेदर जो अनफेवरेबल हो, क्लाइमेट प्रेशर टेम्परेचर, इन अनफेवरेबल कंडीशन में अगर वो टाइट करता है तो अपने आसपास कुछ ऐसा सिक्रीट कर लेता है हैवी मटेरियल या टाइट मटेरियल जिसके द्वारा वो एक स्पोर में बदल जाता है। स्पोर के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड एंड रीडिवाइड करता है एंड एवरी न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, और जब ये स्पोर बस्ट करता है तब वो एनिमल्स इतने सारे बाहर निकल आते हैं। देन अनदर टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बडिंग। बडिंग एक छोटा सा बड या मुकुल होता है जो एनिमल के किसी भी पार्ट पे, आमतौर पे बेस पे डेवलप होने लग जाता है और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन धीरे धीरे डीप होता चला जाता है, फाइनली ये एनिमल से कट जाता है और पूरा एनिमल बन जाता है। ये जो बडिंग है दो प्रकार की हो सकती है, अगर बाहर बड डेवलप होती है तो हम एक्सोजेनस बडिंग कहते हैं और अगर भीतर बॉडी के डेवलप होती है तो हम उसको एंडोजेनस बडिंग कहते हैं। एंडोजेनस बडिंग के लिए हमेशा सिलिया या फ्लैजेला होते हैं उस एनिमल को अंदर की तरफ, जिससे कि वो एनिमल स्विम करके बाहर आ जाता है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल्सो टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ जेम्यूल प्रोडक्शन। जेम्यूल्स भी ऐसी बॉडीज होते हैं जो
कुछ कंडीशंस को टाइट कर लेते हैं, क्योंकि कुछ हार्ट डिपॉजिट होते हैं शीत या कैप्सूल आसपास उसके जमा हो जाती है, और विपरीत परिस्थिति में अपने आप को ये बिल्कुल डोरमेंट रह करके टाइट कर जाता है। जब वापस कंडीशन लाइफ की ठीक हो जाती है तब ये जेमिल्स प्रस्फुटित हो जाते हैं और एनिमल बाहर निकल आता है। आफ्टर दिस देयर इज अनदर फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन जिसको प्लाज्मोटोमी कहते हैं। प्लाज्मोटोमी एक्चुअली कि कोई भी एनिमल जो मल्टी न्यूक्लियेटेड होता है वो दो में स्प्लिट हो जाता है और खूब सारी न्यूक्लिया दोनों में चली जाती है, दोनों अपने हाफ्स वापस डेवलप कर लेते हैं और द नंबर ऑफ न्यूक्लिया आर रीस्टोर्ड एंड इस तरह से वापस एक तरह का रिप्रोडक्शन होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस अ वेरी कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज आमतौर पर टेक्स इन प्लांट्स एंड लोअर एनिमल्स ओनली फ्रेगमेंटेशन, जब एनिमल एक्सीडेंटली कट जाता है कुछ पार्ट्स में और हर पार्ट इंडिविजुअली एक नया एनिमल बना देता है तब हम कहते हैं स्पेशली हाइड्रा में देखते हैं फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेगा, तब हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन हो गया। सो दीज वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजनरेशन, रीजनरेशन एक्चुअली रिप्रोडक्शन में आता नहीं है। रीजनरेशन को हम डेवलपमेंट बायोलॉजी में स्टडी तो करते हैं लेकिन रीजनरेशन इज एक्चुअली द रीस्टोरेशन ऑफ द लॉस्ट पार्ट, कि अगर कोई पार्ट कट गया तो वो पार्ट ऑटोमेटिकली वापस आ जाता है या वो वापस ला दिया जाता है, उसको हम रीजनरेशन कहते हैं। तो ये भी क्योंकि इसके अंदर कोई सेक्स इन्वॉल्व नहीं है, अगर वो प्राणी है भरे हायर चोट लग के वापस उसका टिश्यू का बन जाना ये भी रीजनरेशन में आता है। स्टार फिश का वो आर्म कट जाता है वो उसकी आर्म वापस बन जाती है, ये भी रीजनरेशन होता है। सो रीजनरेशन में बहुत सारा टिश्यू भी वापस आता है, थोड़ा सा टिश्यू भी वापस आता है, तो ये ज्यादातर एक रिपेरेटिव प्रोसेस होता है रीजनरेशन, जिसको आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंक्लूड कर सकते हैं। रही बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बहुत सारे तरीके देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये वो होता है जहाँ पे दो तरह के गैमिट्स पाए जाते हैं, एक को हम मेल और एक को फीमेल गैमिट कहते हैं, दोनों के फ्यूजन के फलस्वरूप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब एक तरह का है इसमें सिनगैमी, सिनगैमी के अंदर दो तरह के गैमिट्स होते हैं और ये गैमिट्स आपस में फ्यूज कर लेते हैं और जाइगोट बनाते हैं, तो ये सिनगैमस कहलाता है। दूसरा दो गैमिट्स होते हैं एनाइसोगैमी, इसके अंदर दोनों गैमिट एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, दिखने में भी साइज में भी बिहेवियर में भी, तो दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड व्हेन दे फ्यूज विद ईच अदर हम कहते हैं कि ये एनाइसोगैमी हो गया। देन आइसोगैमी, जब दोनों गैमिट्स बिल्कुल एक से दिखते हैं लेकिन दे जस्ट डिफर फ्रॉम ईच अदर इन स्ट्रेन और इन बिहेवियर, ये दोनों गैमिट्स आपस में फ्यूज कर जाते हैं और फिर रिप्रोड्यूस करते हैं, तो दैट इज नोन एज आइसोगैमस। देन ऑटोगैमी, जब खुद ही वो एनिमल खुद ही एक गैमिट की तरह बिहेव करने लग जाता है और इस प्रकार गैमिट्स आपस में फ्यूज कर जाते हैं, तब उसको ऑटोगैमस कहते हैं। नाउ इसके अलावा होलोगैमी, होलोगैमी के अंदर जब पूरा एनिमल खुद ही गैमिट बन जाता है, पूरा एनिमल एक गैमिट की तरह बिहेव करता है एंड देन इट अंडरगोज रिप्रोडक्शन, तो हम उसको होलोगैमी कहते हैं। एंड कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन जैसे कि सबको पता ही है सिलिएट्स के अंदर पाया जाता है प्रोटोजोन्स में, ये कॉन्जुगेशन में दो अलग अलग प्रकार के एनिमल होते हैं, दोनों एक टेम्पररी यूनियन आपस में करते हैं जिसमें एक ट्यूब बनती है, कॉन्जुगेशन ट्यूब, दोनों की न्यूक्लिया उसके थ्रू पास होती है और इस ब्रिज के थ्रू फ्यूजन हो जाता है एंड इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। एंड इसके अलावा बहुत सारे अलग और भी तरीके हैं जैसे कि साइटोगैमस, जब साइटोप्लाज्म इसके अंदर दो साइटोप्लाज्म आपस में जुड़ जाते हैं एंड दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक न्यूक्लिया, तब हम उसे साइटोगैमस कहते हैं। देन एंडोमिक्सिस, एंडोमिक्सिस वो तरीका होता है जहाँ पे न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन, न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन उसी एनिमल के अंदर हो जाता है और कोई मियोसिस नहीं होती, कोई फ्यूजन नहीं होता और इसको हम एंडोमिक्सिस कहते हैं। और न्यूक्लिया बहुत बार डिवाइड पे डिवाइड करता चला जाता है मियोटिकली एंड दिस इज नोन एज एंडोमिक्सिस। देन हेमिक्सिस, हेमिक्सिस वो एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ मैक्रो न्यूक्लियस होता है जब मैक्रो न्यूक्लियस या गुरु केंद्रक इस तरह का फ्यूजन प्रॉपर्टी शो करता है। एंड मैक्रोगैमी, इसके अंदर मैक्रो जो गैमिट है, जो बड़ा वाला गैमिट है, ये अंडरगो करता है फ्यूजन, तो हम उसको मैक्रोगैमिट्स कहते हैं। माइक्रोगैमिट के अंदर जो स्मॉल न्यूक्लियस है वो अंडरगो करता है फ्यूजन, तो हम उसको माइक्रोगैमिट्स कहते हैं। मीरोगैमिट, मीरोगैमिट में एक्चुअली ये दोनों के कहीं बीच का होता है जैसे वॉल्वॉक्स वगैरह में देखने को मिलता है और इसके अंदर
ये जो गैमिट से छोटे होते हैं और मतलब मेन एनिमल से छोटे साइज के बनते हैं और ये आपस में फ्यूज करते हैं और इनके इस तरह से आपस में लगने को हम मीरोगैमी गैमस कहते हैं। एंड पीडोजेनेसिस में ये जो पेरेंट है ये दो में डिवाइड कर देता है। पीडोजेनेसिस में पेरेंट दो में डिवाइड कर देता है। ये दोनों जो सेल्स हैं ये फिर मियोसिस अंडरगो करती हैं। मियोसिस के फलस्वरूप बहुत सारी सेल बनती है, अंत में गैमिट बन जाती हैं, गैमिट्स आपस में फ्यूज कर जाती हैं और इस तरह से पीडोजेनेसिस हो जाता है। एंड द लास्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज पार्थेनोजेनेसिस। जो हम जानते ही है पार्थेनोजेनेसिस के अंदर नो मेल्स आर रिक्वायर्ड, केवल एग खुद इतना सक्षम होता है कि वो एक कंप्लीट एनिमल को जन्म दे दे। सो नो नीड ऑफ वेस्टिंग एनी एनर्जी इन फर्टिलाइजेशन। और ये प्रॉपर्टी पार्थेनोजेनेटिक डेवलपमेंट एक्चुअली कुछ कुछ एनिमल्स के अंदर रेगुलरली पाई जाती है, जैसे रोटिफर्स के अंदर, क्रस्टेशियंस के अंदर और कुछ मक्खियों के अंदर, एफिड्स के अंदर, इन सब में ये पाई जाती है। नाउ ऑफ कोर्स माय दिस लेक्चर विल बी सप्लीमेंटेड बाय सीरीज ऑफ डायग्राम्स जो आप देखेंगे किस तरह से हमने उसमें बता रखा है कि कौन कौन तरह के रिप्रोडक्शन होता है। ना दोनों रिप्रोडक्शन चाहे सेक्सुअल हो असेक्सुअल हो दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों की अपनी खासियत होती है क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एनिमल को दूसरे एनिमल की जरूरत ही नहीं रहती, एक एनिमल खुद ही काफ़ी होता है अपनी ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए। तो वो जो उसमें एनर्जी चाहिए होती है रिप्रोडक्शन के लिए वो बचा लेता है। और ए रिप्रोडक्शन किसी भी कंडीशन में कभी भी हो सकता है, इसलिए ये भी एक तरह का इम्पॉर्टेंट है। नाउ दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि हम ये मानते हैं कि एग को डेवलपमेंट या ट्रिगर कर डेवलपमेंट का ट्रिगर करने के लिए एक एक्टिवेशन की जरूरत होती है जो फ्यूजन के द्वारा या फर्टिलाइजेशन के द्वारा मिलती है। ऐसे भी मानते हैं एक ही तरह की रेस चली आ रही है तो मोनोटनी डेवलप हो जाती है, कैरेक्टर्स भी बहुत ज़्यादा बोर्डम अंडरगो करते हैं। एज अ रिजल्ट द बाई पैटर्नल हेरिडिटी जो है एक माँ से और एक पिता से आ रही है वो इनको मिक्स करके एक अच्छा प्रोडक्ट बन सकता है, तो इसलिए ये ज़्यादा बेटर होती है। देन ये भी कि एक ही तरह का अगर एक ही तरह की वो चल रही हो, हायरार्की चलती जा रही है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मैलफॉर्मेशंस हो ही जाते हैं और उसमें कोई भी वेरिएशंस नहीं होते हैं, तो वेरिएशंस लाने के लिए भी ये डाइवर्सिटी लाने के लिए भी ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट रहते होती है। एंड साथ ही साथ ये जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट्स हैं या इस तरह के ऑफस्प्रिंग बनते हैं ये इनकी हाइब्रिड विगर बहुत ज़्यादा होती है, मतलब इनके अंदर बायोलॉजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है एंड दे कैन ऑलवेज गिव राइज टू मच मोर पॉजिटिव रिजल्ट। नाउ दिस वॉज ऑल कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। जस्ट टू सम अप, रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। दोनों रिप्रोडक्शन में बहुत अलग अलग तरह की वैरायटीज होती हैं एंड इन सबको स्टडी करने के लिए आप ये चार्ट दे सकते हैं। एंड साथ ही में सबसे पहले आप देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वर्सेज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो पहली मैं आपको चार्ट बताने वाली हूँ ये सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आपस में कंपेयर करते हुए दिखाई गई है और उसके बाद एक के बाद हम ये सारी पिक्चर्स दिखाएंगे जिसमें या टेबुलर फॉर्म में दिखाएंगे कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है। जस्ट हैव अ लुक एट ऑल दिस।